नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में रोचक मुकाबला, ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर, वोटों की गिनती अभी भी है जारी। वोटों की गिनती पूरी होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया जीत का ऐलान, वोटिंग रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात, डेमोक्रेट्स पर चुनाव में लगाए धांधली करने के आरोप। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन को भी अपनी जीत का भरोसा, कहा आखिरी बैलेट की गिनती तक नहीं खत्म होता चुनाव। मुंबई में पत्रकार अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार, 2018 में महिला और उसके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी से पहले पुलिस और अर्णव के बीच हुई झड़प, अर्णव का आरोप पुलिस ने की मारपीट, पिछले कुछ समय से अर्णव मुंबई पुलिस पर उठा रहे थे सवाल। अर्णव की गिरफ्तारी पर भाजपा के निशाने पर महाराष्ट्र सरकार, बोले गृह मंत्री अमित शाह, निजी आजादी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुआ हमला, अर्णव के खिलाफ साफ तौर पर राज्य की शक्ति का दुरुपयोग, शिवराज और नरोत्तम मिश्रा ने भी की निंदा। बिहार में आखिरी चरण के लिए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ रैली और रोड शो। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा मोदी सरकार में ईवीएम नहीं बल्कि एमवीएम यानी कि मोदी वोटिंग मशीन चलती है, बिहार में महागठबंधन सरकार बनने का भी किया दावा। बिहार में जेडीयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह पार्टी से निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुई कार्रवाई, लोजपा से चुनाव लड़ रही बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का आरोप, 10 दिन के भीतर देना होगा जवाब। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मतदान के बाद अब तेज हुआ बयानबाजी का दौर, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाने को लेकर नरोत्तम ने दिग्विजय सिंह को घेरा, जीतू पटवारी ने सिंधिया को बताया विश्वासघाती। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर अमरिंदर सरकार, राज्य के कृषि कानूनों को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने पर विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति से की थी मिलने की मांग। देश में काफी हद तक कंट्रोल में आया कोरोना, एक्टिव केसों की संख्या 5,33,000 के करीब, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सिर्फ 4.34% तक रुका। दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 6,423 नए मामले आए सामने, सीएम केजरीवाल का बयान, कोरोना की तीसरी लहर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड ओपीडी सेवा, कोरोना से ठीक हुए पेशेंट करा सकेंगे इलाज, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत की आ रही है परेशानी। मध्य प्रदेश में निवाड़ी में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, आर्मी की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, बच्चे को पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। फ्रांस के कार्टून विवाद को लेकर कोलकाता में मुस्लिम समुदाय का बड़ा प्रदर्शन, पुलिस की मंजूरी के खिलाफ प्रदर्शन होने की खबर, फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार के पोस्टर लिए नजर आए प्रदर्शनकारी। अहमदाबाद में कपड़े के गोदाम में भीषण आग, आग से झुलसकर 9 लोगों की मौत, मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका, गोदाम के पीछे केमिकल फैक्ट्री होने से भड़की आग। दिवाली से पहले ठंड ने दी दस्तक, मसूरी से भी ठंडी रही दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सर्द हुई रातें। प्रभास की ब्लॉकबस्टर बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्में फिर से सिनेमा घरों में होगी रिलीज, बाहुबली शुक्रवार को और बाहुबली 2 अगले शुक्रवार को होगी रिलीज। फिल्म अभिनेता फराज खान का बंगलुरु में हुआ निधन, फराज का चेस्ट इन्फेक्शन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का 1 साल से चल रहा था इलाज, रानी मुखर्जी के साथ फिल्म मेहंदी में आए थे नजर। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webduniya.com पर।